संसे विभूषितकरान्नवनी ददाबाम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठा पुणेन्द्र सुन्दरमुगात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि दत्वम् अहं न यानि कृष्णात् परम् किमपि दत्वम् अहं न जा वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रमा गमकरन्द रसोगपूर्णम् हृदयपदम् मधुपदे स्मरताबमुग्रम् विरवाबयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वादयत् परमशीतलमाश्रयामि स्वस्तिश्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवदारवरिष्ठाय रामकृष्णाय दे नमः निगमगल्भधरुर्गलितं फलं शुगमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् गवतं रसमालयं भुरोहो रसिका भुविभा कृष्णगणैयालालगीजय भक्तवत्सलभगवान गीजय वृन्दावन विहारिलालगीजय भगवान श्री राम कृष्ण देव जय नारायण 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 तो आइए हम चले भागवत सामृत के सत्संग में पिछले भागवत रसामृत के सत्संग में हमने देखा था भक्ति की महिमा और भागवत की भी महिमा देख रहे थे देखिए पद्म पूरातर्गत जो ये श्रीमद भागवत महात्मय है उसमें स्पष्ट कहा है जो मनुष्य जीते जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनता है श्रीमद् महाभाव श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग नहीं सुनता है वो जीते जी मुर्दा है अरे उस व्यक्ति ने अपनी मां की कोख को लज्जित कर दिया जैसे मां को व्यर्थ दुख दिया यहां तक कह दिया जिसने, जिसने अपने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी वह महापापी है उसका जीवन बड़े चांडाल वत्त है यहां तक कह दिया है उसका जीवन चांडाल वत्त है उसने अपनी मां को ही व्यर्थ दुखी किया मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है भागवत की अद्भुत महिमा प्रकाशित की गई है यहां पर क्योंकि सनत कुमार यह बातें सब नारद जी को बता रहे हैं और नारद जी और सनत कुमार सब लोग हरिद्वार में आनंद घाट पर बैठे हैं और ये भागवत की महिमा उजागर कर रहे हैं और कहा श्रीमद भागवत की कथा तो कोटि कोटि जन्म के पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होती है श्रीमद भागवत की कथा श्रीमद भागवत का सत्संग सुनना सबके बस की बात नहीं है मनुष्य के अनेक जन्म के कोटि कोटि जन्म के पुण्य सुकृत होते हैं तब मनुष्य को श्रीमद भागवत कथा सुनने को मिलती है बोले श्रीमद भागवत कथा कब करनी चाहिए बोले जब श्रोता मिले वक्ता मिले जाए बस बोले बैठ जाओ भागवत की कथा करने के लिए बोले इतना तिथि ज्यादा तिथि ग्रह नक्षत्र का इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है स्पष्ट कह दिया यहां पर तो देखिए जब श्रोता मिले और वक्ता भी मिले तो तुरंत भागवत की कथा करने बैठ जाइए क्योंकि फिर ऐसा समय आएगा कि नहीं मालूम नहीं है और कहते हैं समय द्रुत गति से बह रहा है जो समय चला गया फिर वो वापस आने वाला नहीं है अब चला गया समय वापस नहीं आएगा तो मानव इस समय का सदुपयोग कर लो तुम बोले इसलिए क्या करो भगवान नाम स्मरण करने बैठ जाओ भागवत का सत्संग सुनो बोले भागवत सत्संग सुनने के लिए कोई नियम तो बोले देखो सत्य का पालन करना है सत्य बोलना है पवित्र रहना है पर निंदा पर चर्चा नहीं करनी है और बोले ब्रह्मचर्य का पालन करना है ये सब करने में ज्यादा दिन करने में कठिन लगता है तो बोले सात दिन कर लो और सात दिन में भागवत की कथा सुनो सप्ताह कथा सुनो क्योंकि सत्य बोलना है सात दिन तक सत्य बोलो धीरे धीरे व्रत को बढ़ाना होता है बोले पहले सात दिन तो बोले पहले सात दिन सत्य बोलो ब्रह्मचर्य का पालन करो पवित्र रहो पर निंदा चर्चा पर नहीं करनी है और किसी के द्वेष की चर्चा नहीं करनी है किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है न किसी के प्रति राग रहेगा न किसी के प्रति द्वेष रहेगा जब तक भागवत की कथा चले तब तक इस नियम का पालन करो एकाग्र चित्त से भगवान नाम स्मरण करते करते भागवत कथा का श्रवण करो बोले ये कुछ नियम है भागवत कथा सुनने से मैंने आसन शुद्धि और शरीर शुद्धि देह भी तो हमारा आसन है क्योंकि देह में हम बैठे हैं तो बोले देह को भी शुद्ध करना है तो देह शुद्ध कैसे होगा काया वाचा और मन मानसा से कायिक का वाचिक मानसिक पवित्रता लानी पड़ेगी ब्रह्मचर्य का पालन राग की निवृत्ति पर निंदा परचर्चा की निवृत्ति करनी पड़ेगी बोले ये व्रत लेने में ज्यादा दिन लेने में तुम्हें अत्यंत कठिनाई लगती है तो सात दिन तक ले लो फिर क्रमशः उसको बढ़ाते जाओ इसलिए बोले सप्ताह कथा का आयोजन करो सात दिन का और भागवत की महिमा उजागर करते हुए कहा महात्माओं ने जो तपस्या से नहीं मिलता योग से नहीं मिलता बोले जो तपस्या से नहीं मिलता योग से नहीं मिलता बल से नहीं मिलता जो दान से नहीं मिलता जो व्रत से नहीं मिलता वो बोले भागवत से प्राप्त हो जाता है तपस्या योग समाधि व्रत तीर्थ दान बोले उससे जो नहीं मिलता है वो भागवत से सहज रूप में मिल जाता है अरे यहां तक महात्मा ने कह दिया जो ध्यान से नहीं मिलता वो भागवत से भागवत की कथा सुनने से मिल जाता है बोले कैसे बोले ध्यान में तो अपने को मन लगाना पड़ता है भगवान में वृत्तियों को एकत्रित करके एक जगह केंद्रित करनी पड़ती है ध्यान में बोले भागवत के अंदर में तो ध्यान अपने आप लग जाएगा मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा बोले कैसे बोले आओ हमारे श्याम सुंदर का चिंतन करे बोले बरहाट बर पपू कर्ण यो कर्णि बिभ्रद्वास कनक कपीशयती रणु रदर सुदया पूय बृंदई वृंदारण्यम स्वपद बोले यमुना यमुनाजी का किनारा है यमुनाजी का जल कलकल -कल करके रहा है वटवृक्ष है और उस वट वृक्ष के नीचे हमारे श्याम सुंदर पीला पिताम्बर पहनकर के त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। अधरो पर सुंदर वेणु है और गाय श्रीअंग चाट रही है गोप बालकों ने गले में वैजंती माला पहनाई है कानों में कर्ण पुष्प के सुंदर कुंडल धारण किए और देवताएं पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और सब लोग संकीर्तन कर रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले यह देखो अभी आप हमारा मन चला गया अब कहा गया अरे मने मन वृंदावन नहीं गया ना वृंदावन मन में आया हमारे मन की वृत्ति वृंदावनाकार बन गई बोले भागवत की कथा सुनते हैं तो मन अपने आप श्याम सुंदर की लीलाओं में एकाग्र बन जाता है भगवान की अन्यान्य लीलाओं में मन एकाग्र बन जाता है बोले ध्यान में ध्यान करने बैठते तो कितना जोर लगाना पड़ता है अरे साधक आखिरी में थक करके छोड़ देता है अरे हम सबका अनुभव है जब ध्यान करने बैठते तो थो थोड़ी ना ध्यान होता है अरे मन के साथ कितना युद्ध करना पड़ता है बोले भागवत में भागवत की कथा में तुम्हें भगवान हमारे श्याम सुंदर का त्रिवंग ललित मुद्रा में खड़े हुए हमारे पिताम्बर नील वर्ण श्याम सुंदर का बोले ध्यान करने के लिए कोई मन को लगाने की जरूरत नहीं ध्यान अपने आप हो जाएगा बोले जो ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता है वो श्रीमद् भागवत की कथा से हो जाता है कैसे बोले ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो अधिकारी चाहिए बोले ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को पहले शुद्ध करना पड़ता है साधन चतुष्टय करके विवेक वैराग्य षट संपत्ति एवं ये साधन चतुष्टय है बोले उससे पहले मन को पवित्र करना पड़ता है ये श्रीमद भागवत में बोले तुमको अधिकारी की कोई आवश्यकता ही नहीं है तुम कितने भी पापी हो तापी हो दीन हो दुखी हो अधिकारी हो या न हो कितने भी पापी हो बोले सीधा बैठ जाओ यहां पर जब हम भागवत की कथा का श्रवण करेंगे वो मानव तो श्रीमद भागवत स्वयं हमें अधिकारी बना देता है इस बात को हम समझे श्रीमद भागवत स्वयं हमें अधिकारी बना देता है कितनी अद्भुत बात बताई है इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरत स्चार्तेश्वभी ज्ञस्वरात् तेने ब्रह्मरिदाय आदिगवये मुयन्दियत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुवगम् सत्यम्बरम् धीमहि सत्यम्बरम् मही बोले भागवत की शुरुआत ये जन्माद्यस्य से हुई है जो ब्रह्मसूत्र का द्वितीय सूत्र है वो भागवत का प्रथम श्लोक बना है ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और द्वितीय है जन्माद्यस्य बोले भागवत में क्यों प्रथम लिया गया क्योंकि ब्रह्मसूत्र पढ़ने के लिए व्यक्ति के अंदर में पात्रता चाहिए योग्यता चाहिए अधिकारित्व चाहिए साधन चतुष्टय करके वो जब अधिकारी बनता है तब जाके उपनिषद ब्रह्मसूत्र आदि में वो प्रवेश कर सकता है भागवत में कोई अधिकारी होने की कोई जरूरत नहीं है तुम आ जाओ बैठ जाओ बस तुम अधिकारी हो ना हो चिंता मत करो भागवत तुम्हें अधिकारी बना देगा कितनी अद्भुत बात बताई है इसलिए बोले जो ध्यान से भी प्राप्त नहीं होता है जो ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता है बोले वह श्रीमद भागवत की कथा का श्रवण करने से सत्संग करने से प्राप्त हो जाता है देखिए यहां पर भागवत की महत भागवत के महात्मा को प्रकट करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है पिछले सत्संग में भी हमने श्रीमद भागवत की भाषा जो इस प्रकार कही गई है उसका वर्णन क्यों किया है उसको हमने देखा है यहां पर भी यही बात है कि श्रीमद भागवत की महिमा को उजागर करना है इसलिए श्रीमद भागवत को योग तपस्या ध्यान ज्ञान व्रत नियम तीर्थ सबसे श्रेष्ठ बताया है और देखिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंदर में भगवान ने कह दिया कि मुझे बांधने का उपाय केवल एकमात्र सत्संग ही है भगवान ने स्पष्ट कह दिया यथावरुंदो सत्संगो सर्वसंगाप हो ही माम भगवान कहते हैं मैं सांख्य मणि योग से नहीं बदता हूं ज्ञान से नहीं बदता हूं व्रत उपासना तीर्थ से या दक्षिणा देने से भी मैं नहीं बदता हूं मुझे बांधने का उपाय एकमात्र सत्संग है यथावरुंदो सत्संग सर्वसंगाप हो ही माम न रोदयति योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो न दक्षिणा व्रतानि व्रतानि ज्ञानी चंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः सत्संग सर्वसंगापहो हि मां भगवान ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया तो यहां भगवान कहते हैं, मैं सत्संग से बदता हूं तो हमारे आचार्य महापुरुष कहते आओ मानव हम श्रीमद भागवत के सत्संग से भगवान को बांधे इसलिए कहा कि जो ज्ञान से नहीं मिलता जो ध्यान से नहीं मिलता जो व्रत तीर्थ उपवास समाधि से जो प्राप्त नहीं होता योग से जो प्राप्त नहीं होता वो श्रीमद भागवत से प्राप्त हो जाता है अरे और अधिक क्या कहे आपको जब भगवान उद्धव जी को एकादश स्कंद के अंदर में उद्धव जी को अद्भुत ज्ञान दिया उद्धव गीता के अंतर्गत और एकादश स्कंद में जो भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया बाद में भगवान स्वधाम जा रहे हैं और भगवान ने उद्धव जी को बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी है उद्धव जी आर्त भाव से करुण भाव से भगवान के चरणार की उपासना करके कहते हैं प्रभु आप चले जाएंगे स्वदाम आपके जाते ही तुरंत कलियुग आ जाएगा और कलियुग इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बैठ करके उस मनुष्य को मनी तसमस कर देगा पृथ्वी पर भार बढ़ जाएगा कलयुग में अधर्म का आचरण होगा लोग धर्म की लोगों की वृत्ति धर्म की ओर नहीं रहेगी लोगों की वृत्ति केवल अर्थ और काम में मग्न हो जाएगी पृथ्वी पर भार बढ़ जाएगा प्रभु आप भी यदि स्वधाम चले जाएंगे तो आने वाले समय में भगवान आपके भक्तों लोग किसको आधार करके अपने दुखों से मुक्त हो पाएंगे इस गोर कली काल में किसको आधार बनाएंगे प्रभु आपके भक्त किसको आधार लेकर के आपकी ओर अग्रसर होंगे प्रभु हर बार तो आप अपना अवतार की लीला पूर्ण करके क्षीर सागर में चले जाते हैं प्रभु इस बार कुछ ऐसा कीजिए आप इस बार क्षीर सागर मत जाइए नहीं तो कलयुग में लोग किस तरह से अपने जीवन को संभाल पाएंगे भगवान ने कहा दिया उद्धव तुम चिंता मत करो इस बार में मेरी लीला का संवरण करके क्षीर सागर में लौटने वाला नहीं हूं रोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद भागवत भगवान ने कह दिया इस बार तो मैं मेरी लीला का संवरण करके श्रीमद भागवत में प्रविष्ट होने वाला हूं और इस श्रीमद भागवत के अंदर में भगवान ने अपना तेज भर दिया पूर्ण रूप से भगवान ने अपना तेज श्रीमद भागवत में प्रकट कर दिया ये भगवान के तेज का आधार है श्रीमद भागवत देखिए कहीं पर जाए या किसी को बुलाए कहीं बैठना है तो आसन की आवश्यकता रहती है तो बोले भगवान के बैठने का आसन क्या है बोले श्रीमद भागवत महापुराण है यह भगवान के बैठने का आसन है किसी की पूजा करनी होती तो उसको आसन पर बिठाया जाता है तो बोले भगवान का आसन ये श्रीमद भागवत है उसे आधार शक्ति कहते हैं भगवान की आधार शक्ति है कितना सुंदर बता भागवत की महिमा उजागर करते हुए श्रीमद भाग देखिए जब ग्रंथ की महिमा सुनेंगे तब ग्रंथ के प्रति श्रद्धा आएगी तब ग्रंथ के गुड़ार्थ में प्रवेश करने की इच्छा होगी इसलिए महात्मा में श्रीमद भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है श्रीमद भागवत का महात्मा ही बताया गया है श्रीमद भागवत तो भगवान का वांगमय स्वरूप है तेने यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हे द्वादशांगो वै प्रभु कह दिया अरे वैष्णव लोगों ने आचार्यों ने भगवान के एक एक स्त्री अंग से भागवत के एक एक स्कंद का एक एक स्कंद को युक्त कर दिया है वैष्णव लोगों की मान्यता है उनका विश्वास है अद्भुत है क्योंकि भागवत और कुछ नहीं है भगवान का वांगमय स्वरूप है तेने यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा प्रत्यक्षा वर्तते हरे है बोले भागवत के श्रवण से भागवत के पठन से भागवत के सत्संग से अरे भागवत का दान करने से मनुष्य को बोले इस जन्म के अंदर में अरे उसका मन जो है उसका हृदय जो है निर्मल बन जाता है भागवत का श्रवण करने से भागवत की सेवा करने से भागवत के श्लोकों का पठन करने से भागवत का सत्संग सुनने से मनुष्य का हृदय निर्मल बन जाता है देखिए जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो हम भगवान के लीलाओं का चिंतन करते हैं आप सोचिए एक सीधा सा उदाहरण बताते हुए कहते हैं भाद्रमास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हमारे बाल मुकुंद का जन्म हुआ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव हुआ अष्टमी के दिन जन्म हुआ नवमी के दिन नंदोत्सव हुआ है तो जब नंदोत्सव का वर्णन आता है भागवत के दसम स्कंद के पंचम अध्याय के अंतर्गत कितना अद्भुत वर्णन है नंद उत्पन्ने जातालादो महामनः आहूय विप्रणवेद ज्ञान स्नादः कृदः भाचयित्वा स्वास्त्ययनम् जातः वै कारयामास विधिवत् पितृर्देवार्चनं ददा धनूनां नियुदे प्रादाद् विप्रेभ्यः कृते तिलाद्रिन् सप्तरत्नङ्ग रत्नङ्गम्बरावृदान् कालेन स्नान शौचाभ्याम् संस्कारैस्तपसे जया शुद्धन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण आत्मात्म वेद बोले नंद उत्पन्न जाता लादो महामना नंद के घर आत्मज का जन्म हुआ नंदस्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामनाहा समझिए सबके हृदय के अंदर में आनंद के कोई सीमा नहीं जाता लादो महामनाहा नंद स्वात्म जउ बंदे जाता ला दो महाम आहूय ब्राह्मण लोग विप्रलोक वेद मंत्रों का घोष करने लगे नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान किया यमुना जी में और स्नान कर्म करके अपने आप को स... शुद्ध अपने आप की शुद्धि की भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत पंचमे अध्याय में जो ये नंद उत्सव के जो पहले अठारह श्लोक है कोई कोई लोग उन्नीस श्लोक तक भी लेते हैं ये अठारह श्लोक जो है उसका नित्य पठन करने से भागवत के अठारह हजार श्लोकों का आवृत्ति करने की पठ... भागवत के अठारह हजार श्लोक का पठन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है भागवत के श्लोकों की संख्या अठारह हजार नंद उत्सव के श्लोक भी अठारह है पुराण भी अठारह है समझिए पुलिस स्मृतियां भी अठारह है आठ जोड़ एक बराबर नौ पूर्णांक होता है इसलिए अपने यहां सब अठारह अठारह की एक विशेषता है तो कहते जब हम ये श्लोकों की आवृत्ति करते हैं जब नंद उत्सव का चिंतन करते हा हा हाज स्वस्त्यत्म जे कार विधिवत पितुर्देवाचन ददा नंद बाबा ने क्या किया पितृ की देवताओं की अर्चना की ब्राह्मणों ने स्वस्ति कर वाचन कर्वया स्वस्ति न इंद्रो मृदस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नक्ष अरिष्ट ने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द वाचय स्वस्थ्ययन जातकर्मात्म से जात किए कमस विधिवत पितृदेवाचनम दधा पितृ देवताओं की और सबकी अर्चना की विधिवत की है धनु नाम नियुदे ब्राहदाद विप्रे समलंगे तिलाद्रिन सप्त रत्न शाद गुदान बोले ब्राह्मणों को दान दिया है तिल के सात पहाड़ बना करके उसके सुंदर वस्त्र एवं अलंकारों से सज्जित करके ब्राह्मणों को उसका दान दिया है धेनु, धेनु का दान दिया है धेनु नाम नियुते नंद उत्सव का हम चिंतन करते हैं अपने हृदय में कितना अद्भुत है गोपियां दौड़ रही है अरे गोपियां गोपियों को जब पता चला कि नंद बाबा के घर लालो भयो तो क्या हुआ बोले गोप्य कर्ण्य यशोदाया यशोदायादव आत्मा भूषयांचक्रु क्रू वस्त्र गल पी अरे गोपियों को जहां पता चला कि नंद बाबा के घर लालो भयो ये तो सब गोपियां दौड़ती है गोप्यश्च कर्ण्य मुदिहिता यशोदा यहा उद कहाँ दौड़ी यशोदा के का घर के अंदर और अग्रसर दौड़ती है यशोदा जी के सुतिका घर की और अग्रसर हो रही है आत्मानयान चक्रु अपने आप को सुंदर सजाया है आत्मान भूषया चक्रु वस्त्रा कल्पांजना देवी वस्त्र अलंकारो लेकर के दौड़िए और कैसे नव उनका चेहरा कैसा है नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतया दम जगमूसरो बोले उनका चेहरा जैसे एकदम केसर युक्त चेहरे हैं जैसे मा किंजल का मुख पंकज भूतया बलिबिस्तरितम जगू अनेक प्रकार की भेंट लेकर के द्रुत वेग से दौड़ रही है सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है फिर क्या कहते अरे गोप्य गोप्युष्ट मणिकुंडल निष्क चित्राबरा पतिशिखाच्युत माल्य वर्ष नंदाल सबलया व्रजति पायो दरहार शोभा बोले गोपिया जब जा रही है गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्क अरे गोपियों के कार करनों के अंदर में जो कुंडल पहने उसकी शोभा इतनी दिव्य है कुंडल नाच रहे जैसे गोपी दौड़ रही है तब अरे गोपी के केश के अंदर में जो बैणी लगाई है पुष्प की माला लगाइए वो पुष्प की माला नीचे गिर गई दौड़ रही है द्रुत वेग से चित्रंबरा पतिशिखाच्युत माल्य हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था वह ब्रह्म संबंध आज पुनः स्थापित होने जा रहा है गोपी द्रुत वेग से जा रही है चित्रमरा पतिशिखा चुदमालय धरहार शोभा उसके गले के अंदर में कुंडल हार इतने सुंदर सुशोभित तो हो रहे हैं बोले जहां गोपी ने बाल मुकुंद का दर्शन किया तो क्या कहा शीष प्रयुंजाना चिरंबाही त्रिबाल के लाद भी अरे अनेक युग युग तक हमारी रक्षा करना गोपियों ने कहा बाल मुकुंद के दर्शन किए गोपी गतगत हो गई है गोपी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है अरे बाल भकुंद का स्थान तो गोपियों के अश्रुओं से जैसे हुआ है कितनी अद्भुत तो बात बताते हैं आचार्य गदगद हो जाते हैं शीश प्रयुंजा नहा चिरम दि बाल के जुग जुग जी हो जुग जुग जी करके जुग जुग हमारी रक्षा करो नाथ हरिद्रा चूर्ण भी सिंचन्दे जनमू जगू अरे जल के अंदर में हल्दी मिला करके तेल मिला करके उसका छंटकाव कर रही है सबके ऊपर में बोले क्या हुआ आज नंद गेरा बयो बयोजाई कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी आर दीनी पाल की नंद गेरा आनंद बयो जय कन्हैया की बस आचार्य हमें समझाते हुए कहते देखिए पांच दस मिनट हमने नंद उत्सव का चिंतन किया तो हम कहा चले गए क्या हुआ हम कोई अपने अपने स्थान पर नहीं रहे हम सब उस व्रज क्षेत्र में चले गए जहां पर भगवान का जन्म हुआ है और सब लोग आनंद की वृष्टि कर रहे हैं अद्भुत आनंद के अंदर में हम सब लोग डोल रहे हैं आनंद आनंद हो गया कैसे हुआ कैसे हुआ आचार्य विद्वत जन पंडित जन हमें समझाते हुए कहते हैं देखिए जो चीज हमारे मन में आध्यात्मिक भाव से जिस भाव का हमारे हृदय में आध्यात्मिक भाव से उदय होता है वही अधिदैव रूप से भी देखी जाती है और वही भाव भक्त की पूर्ति करने के लिए भौतिक रूप से भी प्रकट होता है अभी हमने जो आनंद का अनुभव किया वो क्या था बोले वो तो आध्यात्मिक भाव से ये भाव कहाँ आया हमारे मन में आया कि नंद हो रहा है चलो सब लोग अबीर गुलाल कंकु की छोर उड़ रही है अरे गोप बालक दूध दही और मक्खन एक मक्खन के लौदे एक दूसरे पर मार रहे हैं। गोपाहा परस परमरीष्टा दधी क्षीर घुता अरे मक्खन के लौंदे करके एक दूसरे के ऊपर मार एक दूसरे को दूध दही और मक्खन एक दूसरे पर ढोर रहे जैसे अरे नंद बाबा को तो लोगों ने चौकट पर बिठा करके दूध दही घिरी से जैसे एकदम स्नान करा दिया है गोप बालक एक दूसरे के ऊपर में दूध की फुहरियां उड़ा रहे दही की फुहरियां उड़ा रहे अरे मक्कन के लौदे मार रहे हैं ये आध्यात्मिक भाव हमने हमारे मन में सोचा और वही अधिदैव के रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हुआ कैसे हम हमारे मन से ही तो देख रहे हैं हमारे मन ने ही व्रज का आकार धारण कर लिया हमारा मन ही भगवान के स्वरूप का आकार धारण कर लेता है और हमारा मन ही उस स्वरूप का दर्शन कर रहता करता रहता है तो जो भाव हमारे हृदय में आध्यात्मिक भाव से प्रकट होते हैं वही आधिदैविक भी बनते हैं और वही फिर अधिभतिक रूप से प्रकट भी होते हैं भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अद्भुत सिद्धांत है हमारे हृदय में जो भाव है वही अधिभौतिक रूप से भी बनते हैं अरे अंत में तो मन ही तो देख रहा है ना चाहे आंखें मुंद करके देखे चाहे आंखें खोल करके देखे देख रहा है कौन मन ही तो देख रहा है और तो कोई नहीं देख रहा है इसलिए आचार्य समझाते प्रत्येक भाव की मूर्ति होती है एक मन में जिस भाव का उदय होता है आध्यात्मिक रूप से उसी का अधिदैव मूर्ति भी उसी की बनती है और भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वही भाव आदि भौतिक रूप धारण भी करता है जो चीज हमारे मन में आती है मन से देखी जाती है वह आंख से भी देखी जाती है जो चीज हमारे मन में आई अभी मन में क्या आया उत्सव का अद्भुत दृश्य और मन से देख रहे थे हमारे हृदय के अंदर में मन से ही देख रहे थे और फिर वही धीरे धीरे भाव की प्रगाढ़ता बनते हुए भाव की भाव भाव का प्रवीण प्र, भाव प्रवीण होते होते धीरे धीरे वह अधिभतिक रूप से हो जाता है श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटनाओं में आता है श्री रामकृष्ण के पास एक रामायती साधु रामलल्ला को छोड़कर के चले गए थे श्री उस रामलल्ला को हर रोज गंगा जी में स्नान कराने जाते रामलल्ला बहुत वहां पर नटखट करते बाहर निकलते नहीं है जल से श्री कृष्ण देव कहते देखो तुम्हें ठंड लग जाएगी चलो निकलो बाहर कितना समझाते बुझाते एक डांट करके श्री राम देव राम लल्ला को बाहर निकालते हैं वह घटना सब क्या है श्री राम देव के सामने प्रत्यक्ष हो रहा है श्री राम देव ने एक बार वो जो तांबुल दिया उस तांबुल में थोड़ा उसका जो मनी ऊपर का जो घर घुसा होता है वह रह गया परिणाम स्वरूप क्या हुआ राम लल्ला का जो गला था वो सूज गया सब चैतन्य हो गया है इसके पीछे का सिद्धांत यही है प्रत्येक भाव की एक मूर्ति हो जाती है मन में जो भाव आया है आध्यात्मिक भाव से वही अधिदैव की मूर्ति भी बनता है और वही अधिभौतिक रूप से भी प्रकट हो जाता है सो जी चीज हमारे मन में आती है वह मन से देखी जाती है और आंख से भी वह देखी जा सकती है तो बोले भगवान का दर्शन होता है बोले हारे जिस तरह से तुम्हें देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने उसको देखा है क्योंकि जो चीज मन में आई आध्यात्मिक अध्या, रूप से मन से उसको देखा और अधिभूत रूप से भी उसको देख पा रहे हैं संगति लगा लीजिए बोले बाहर हो या भीतर हम जो कुछ भी देखते वो तो मन ही है ना मन से ही तो देख रहे हैं। अभी हम मन से ही देख रहे हैं कि हमारे सामने लैपटॉप रखा गया है और हम भागवत का सत्संग कर रहे हैं बस देख रहे हम एक मकान में है बाहर निकलेंगे तो और जगत है ये सब कुछ देख रहे हो कहां से देख रहे हैं? मन से ही देख रहे हैं अब आचार्य सिद्धांत बताते हुए कहते हैं अद्भुत सिद्धांत है जिसका दर्शन थोड़ा हमने कल किया था उसका विस्तृतिकरण करके समझने का प्रयास करेंगे बोले जो इंद्रियों के द्वारा अनुभूत होता है हम जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं उसी से ही हमारे संस्कार बनते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिया पंचकर्मेंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो हम अनुभव कर रहे हैं जो अनुभूत भाव होते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं पुनः पुनः वही करते रहते इसलिए वो संस्कार बन जाते हैं और संस्कार रूप से संचित रहते हैं हमारे वहां हमारे मन में संचित रहते हैं तो बोले जो चीज अनुभव में ना आई हो और संस्कार भी ना हो उसका तो वह आएगी कहां से जो चीज हमने कभी अनुभव नहीं की है और संस्कार से आई भी नहीं है तो बोले वो अब आएगी कहां से हमको किसी को भगवान का अनुभव नहीं हुआ है हम तो हमारी बात कहेंगे हमारे हाथ पर रख करके भाई हमें अभी तक भगवान का अनुभव नहीं हुआ आपकी आप जानो हमें तो अभी तक भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो बोले जिसका अनुभव नहीं हुआ अपनी इंद्रियों के द्वारा हमको भगवान की प्रस्तुति का अनुभव नहीं होगा उपस्थिति का इसलिए अनुभव में नहीं है हमारे लिए अब अनुभव में नहीं तो उसके संस्कार नहीं बने हैं। अब जो अनुभव में भी नहीं है इसलिए संस्कार में नहीं है तो वो चीज हमारे भीतर में आएगी कैसे क्योंकि हम तो भगवान को ही भीतर में देखना चाहते हैं और भीतर में देख करके उसको फिर प्रत्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि जो भीतर होता है वही अधिभौतिक रूप से बाहर आता है अभी अभी सिद्धांत का दर्शन किया तो बोले वो कैसे हो सकता है बोले जो नित्य परोक्ष होता है एवं जो नित्य अपरोक्ष होता है दोनों का ज्ञान केवल वाक्य से होता है बोले जो कल हमने चिंतन किया था जब हमको वर्णमाला का परिचय करवाया गया हम सब लोगों को चाहे भाई आप एबीसीडी सीखे हो या सीखे हो वर्णाक्षर सीखे हो वर्णाक्षर तो सभी लोग सीखे तो वर्णाक्षर में क हमारे सामने रखा गया और हमको कहा गया कि ये क है बाबूजी ने शिक्षक जी ने हमारे शिक्षक ने बाबूजी ने मां ने कहा बेटा कि ये क है बोलो क तब हम क बोले हैं क पहले भी हमारे सामने था पर हमें ज्ञात नहीं था कि यह क है ये नित्य अपरोक्ष की बात है कोई हमसे मिलने आ जाए बिल्कुल अपरिचित है हम जानते नहीं कभी उनको देखे ही नहीं है कभी उनसे बातचीत नहीं हुई है हमारे सामने आ जाए और हम अन्य आगंतुकों से मिल रहे हैं वो सज्जन भी महोदय भी बैठे हुए हैं लेकिन जब तक वो अपना परिचय न दे कि हम यह, यह व्यक्ति है आपसे इतने वर्ष पूर्व मिली थी और ये ये हमारे स्वजन लगते हैं तब तक हमें पता चलेगा नहीं व्यक्ति हमारे सामने है। हमारे सामने बैठी है हमारी बातों में हाँ भी भर रहे हैं हमारी बातों को समझ भी रहे उतना ही नहीं हमारी बहुत सारी बातों को जानते भी है वो नित्य अपरोक्ष हुआ अभी अपरोक्ष है वो परोक्ष नहीं है इसलिए अपरोक्ष कहेंगे जो परोक्ष नहीं है परोक्ष का विरुद्धार्थी अपरोक्ष तो वो नित्य अपरोक्ष है अभी नित्य नहीं कहेंगे अपरोक्ष कहेंगे तो भी चलेगा क्योंकि नित्य अपरोक्ष हमको ब्रह्मानुभूति के साथ इसका संगति लगानी है इसलिए नित्य शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वह व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित है हमारे सामने बैठी है हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें अपनी हा हा भी कर रही है लेकिन हमें मालूम नहीं कि वह व्यक्ति कौन है जब व्यक्ति ने अपना स्वयं परिचय दिया तब हमें ज्ञात हुआ कि हो, हो आप यह सज्जन है बोले हां जी महाराज तो जो नित्य अपरोक्ष है उसका भी यदि अनुभव करवाना है उसका भी ज्ञान प्राप्त करना है तो कहां से हो सकता है केवल वाक्य के द्वारा हो सकता है और नित्य अपरोक्ष का भी अनुभव केवल वाक्य के द्वारा ही हो सकता है नारायण 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 नित्य अपरोक्ष अभी स्वर्ग जो है हमने देखा नहीं है अब स्वर्ग का ज्ञान भी हमें कैसे प्राप्त होगा बोले वो भी वाक्य के द्वारा ही होगा बोले जानते स्वर्ग में ऐसा ऐसा अनेक उद्यान होते हैं अनेकों सुख भोग के साधन होते हैं बोले वैंकुट का वर्णन बोले सब भगवान के ही स्वरूप के जैसे होते हैं वैकुंट में बोले किसी को वृद्धत्व नहीं आता है कोई राग द्वेष से भरा हुआ नहीं होता है किसी में रजोगुण तमोगुण नहीं होता है और सब समय भगवान के आनंद का अनुभव कर रहे हैं यह बात बताई वैकुंठ के बारे में अब वैकुंठ हमारे लिए नित्य अपरोक्ष परोक्ष है अपरोक्ष तो नहीं है वो तो देख नहीं पा रहे हम इसलिए हो गए वो नित्य परोक्ष तो नित्य परोक्ष एवं नित्य अपरोक्ष उसका ज्ञान कराना होता है तब भी वाक्य से ही कराया जाता है इसलिए कहा कि भाई जब तक बोलेंगे नहीं तदेव ब्रह्मासी तुम ही ब्रह्म हो तब तक होने वाला नहीं है बोले अभी नित्य अपरोक्ष परमात्मा हमारा नित्य अपरोक्ष है सब समय हमारे साथ साथ में उसका हमको अनुभव नहीं हुआ इसलिए उसके संस्कार भी नहीं पड़े हैं तो बोले उसका उसकी उसका अनुभव कैसे हो अब वो हमारे संस्कार में कैसे आए बोले संस्कार में नहीं आए अनुभव नहीं हुआ इसलिए तो जन्म लिया है प्रमाण क्या है कि अनुभव में नहीं है और संस्कार में नहीं है बोले जन्म हुआ पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम कर रहे हैं इसलिए अनुभव में तो नहीं आया है परमात्मा तो बोले इस नित्य अपरोक्ष का अनुभव कैसे होगा वो भी बोले वाक्य से ही होगा बोले बिना वाक्य नित्य अपरोक्ष अनुभव का हृदय में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं इसलिए कहते हैं ये ब्रह्मानुभूति जो है अभी जो हमें ब्रह्मानुभूति हुई कि नहीं बोले ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है इसलिए तो हम जन्म धारण की है तो बोले ब्रह्मानुभूति को वाक्य आदि के द्वारा भीतर में लाया जाता है पुनः पुनः बोल के तत्व मसी वो श्वेत के तो तत्वसी तमेव ब्रह्मासी तदेव ब्रह्मासी बोले वो ब्र, ब्रह्मानुभूति को वाक्य के द्वारा हम भीतर ले आते हैं और तब क्या होता है वो ब्रह्मानुभूति अन्य वृत्तियों का तिरस्कार करा देती है अन्य वृत्तियां सबका तिरस्कार करा दी थी, करा दिया ब्रह्मानुभूति ने और स्वयं भी निवृत्त हो जाती है सिद्धांत पर ध्यान दे वेदांत के वह स्वयं भी निवृत्त हो जाती है और तब ब्रह्मानुभूति हो जाती है पहले वाक्य के द्वारा उसको हृदय में लाना पड़ता है इसलिए भगवान की कथा पहले वाक्य के द्वारा हमारे कर्णों के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट करती है प्रविष्ट कर्णरंद्रेण स्वाहमोति समलम कृष्ण सलील शुश्रूषो स्रद दान से वासुदेव कथा रुचि सहत्या विप्रहा पुण्यतिरथ निषे वना फिर क्या होगा जब ये हो गया भगवान की कथा आ गई भक्ति में श्रद्धा हो गई श्रवण में रुचि हो गई सबके सब, सब सिद्धांत आ गए तब क्या हुआ तदा रजस्तमो बाबा कामलो बायाच तदा रजस्तमो बाबा तामलो बायचे चेत तैरना विद्धम चेतहे हे तैरना विद्धम सत्वम स्थिते प्रसीदति तब रजूण तमोगुण नष्ट हो गया सब कुछ नष्ट हो गया फिर क्या हुआ विद्य दे सर्व संसाणी धृष्ट दृष्टये वात्म हृदय की सब ग्रंथियां टूट गई अंधकार दूर हो गया तब विद्य दे हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया सभी संशयों का नाश हो गया चास्य फिर जहां पे देखू वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है सब ब्रह्माकार वृत्ति हो गई ब्रह्मानुभूति हो गई अत्र तत्र सर्वत्र उस ब्रह्म को ही देख रहे हैं जो चीज हमारे दिल में ना हो हमारे हृदय में तो अभी भगवान नहीं है जो चीज हमारे दिल में ना हो तथा परोक्ष भी हो और अपरोक्ष भी हो परोक्ष क्या है वैकुंठ तो स्वर्ग इत्यादि हमारे लिए परोक्ष है देखा नहीं है और अपरोक्ष कौन है बोले भगवान भी अपरोक्ष है भगवान तो परोक्ष नहीं है भगवान तो अपरोक्ष है इस सिद्धांत में गड़बड़ ना हो जाए इसलिए कहा नित्य अपरोक्ष तो नित्य परोक्ष एवं नित्य अपरोक्ष वस्तु का बिना वाक्य के द्वारा ज्ञान होता नहीं है बिना वाक्य के द्वारा वह हृदय में आरूढ़ नहीं होती है नित्य अपरोक्ष आत्मा की ब्रह्मता अज्ञात है और उसको जानने का और कोई उपाय नहीं है वाक्य के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नित्य अपरोक्ष होने के कारण वाक्य से ही होता है आत्मा कैसा है नित्य अपरोक्ष है और उसका साक्षात्कार बोले केवल वाक्य से ही होगा शुरू कर दो हम तत्व मसी ब्रह्मा स्मी तत्वसी प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म चार महावाक्य दे दिए भगवत पाद ने या भक्ति मार्ग से जो कहना है कहो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदा नमो नमः जिस तरह से कहना है आप कह दीजिए अब भागवत की महिमा बताई इसलिए कहा कि भागवत का श्रवण की कितनी महिमा है अब भक्ति क्या किया है अरे भक्ति तो अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य कर रही है कहां पर हरिद्वार में आनंद घाट के वहां सब ऋषि महात्मा लोग महापुरुष लोग सब तीर्थ नदियां वेद वेदांत तंत्र सब बैठे हुए हैं, भक्तजन बैठे हुए प्रभु लोग बैठे हुए माताएं बैठी हुई है सब और सबके सामने नृत्य करती है भक्ति सुतौत तरुण गृह प्रेम करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथेति नामानि नामी अपने मुख से केवल एक ही बात बोल रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे नामानि नामी अब देखिए सब लोगों ने कहा कि ये कहां से प्रकट हुई तब सनत कुमारों ने कहा वो कथा में से ही प्रकट हुई है कथा का अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई आयोजन हुआ सब एकत्रित हुए तब तक तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ तरुणी बन करके नृत्य करने लगी ज्ञान वैराग्य चेतन हो गए ये भागवत की महिमा बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे नृत्य करते होंगे महाराज अरे अभी अभी तो देखा है। जो भाव हमारे भीतर में होते हैं वो मूर्तिमंत रूप धारण कर देते हैं जो अध्यात्म रूप से है वही अतिदैव बनता हो और वही अधिभूत बनता है इसलिए वो नृत्य करने लगी तब सनत कुमारों ने अब नृत्य करते हुए भक्ति देवी पूछती है महाराज हम कहां रहेंगे क्योंकि इस कड़ी काल के अंदर में तो मेरा खंडन हो गया है ये भागवत की कथा के कारण मेरे मुझे में नवचेतन आया है मैं नव बनी हूं मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र भी अब नवचेतन हो गए मैं कहां रहू? तब सनत कुमारों ने कहा दिया जाओ तुम भक्तों के हृदय में निवास करो बोलो भक्ति महारानी की जय सनत कुमारों ने कह दिया हे भक्ति देवी तुम जाओ और भक्तों के हृदय में निवास करो तुम भक्तों के हृदय में भगवान का रूप धारण करके निवास करो भगवान का रूप धारण करके क्योंकि तो भक्ति और भगवान दो अलग नहीं है भागवत भक्त भगवान श्री कृष्ण देव ने कहा अर्थात जब हमारी वृत्ति भगवदाकार वृत्ति धारण कर लेती है जब हमारी वृत्ति भगवदाकार बन जाती है तो समझना है कि भगवान है और जब वृत्ति भगवदाकार नहीं है तो भगवान नहीं क्योंकि तो जब भगवदाकार वृत्ति बन जाती तो अत्र तत्र सर्वत्र केवल भगवान को ही देखते हैं बोले वही भक्ति है यह बहुत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप भगवान की भक्ति प्राप्त होती है भगवान के अनुग्रह के कारण ही भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई बोले वो तो उसका जीवन वृथा है वो तो निर्धन है वो तो दरिद्र है इस संसार में धनवान कौन है और निर्धन कौन है हम लोग तो धनवान उसको समझते हैं जिसके पास संपत्ति बहुत है पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति है बोले वो धनवान है भागवत उसे धनवान नहीं कहता है भागवत किसको धनवान कहता है सगल भुवन मध्य निर्दनास्ते शाम हरिभि निज लोकम सर्व था तो विहाय भक्तिसूत्रो प्रविशदिशाक्तिसूत्रोपनदः प्रविशदि हरिदेशा भक्तिसूत्रोपनः सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या बोले सकल भुवन में निर्धन भी धन्य है क्यों क्योंकि उस निर्धन के हृदय में यदि भगवान की भक्ति आ गई है तो वो निर्धन नहीं है वो तो सबसे अधिक धनवान है सकल भुवन मध्य निर्धन धन्यवाद श्रीहरि तीरे रेखा श्री हरि के प्रति जो भक्ति उसके हृदय में निवास कर रही है वो निर्धन नहीं है अरे बाहरी रूप से वो निर्धन होने पर भी वो तो सबसे बड़ा धनवान है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खर्च न खुटे वा को लूटे दिन दिन बढ़त पायो जी मैंने राम धन पायो यही बात है और जब भगवान की भक्ति आ जाती है तो क्या होता है रपिनी जलोकम सर्वथा तो विहाय हरि अपना लोक वैकुट लोक छोड़ करके सदा सदा के लिए उस भक्त के हृदय में आ जाते हैं जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो जाती है हरि हरिपिज सर्वथा तो विहाय प्रविश दिर्देश भक्ति सुपन दिश दिदिदेशम भक्ति सुपन द बस धनवान कौन है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आई है तो सनत कुमारों ने कहा दिया अरे देवी तुम भक्तों के हृदय में भगवान के रूप को धारण करके रहो क्योंकि तो भक्ति और भगवान अलग अलग नहीं है और भक्ति देवी ने कह दिया महात्माओं को जैसे महात्माओं आप लोगों की आज्ञा और भक्ति देवी भक्तों के हृदय में निवास करने लगी आगे का प्रसंग अद्भुत है आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे कृष्ण गयी जय भगवान जय वृंदावन बिहारी लाली जय भगवान श्री राम कृष्ण देव गी जय सब संदी जय सब भक्तन न जय ॐ नमः पर्वव देव हर हर महादेव हर जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे सबको जय राम कृष्ण जय श्रीकृष्ण ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्चित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सचित सुख स्वरूप स्वामी नेतापहारिणे ने। भगवान श्री राम कृष्ण देव श्री मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानश की कृपा से हमारे यहाँ सत्संग भली भांति चल रहा है आज हम लोग पूज्य स्वामी वीरेश्वरण जी महाराज के बारे में बातें करेंगे पूज्य वीरेश्वरण जी महाराज रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के दसवें परमाध्यक्ष थे सीमा शारदा देवी के शिष्य थे एवं उनके संपर्क में बहुत लोग आए थे बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए थे प्रेरित हुए थे तो कई ऐसे संस्मरण सन्यासियों के सन्यासिनियों के गृहस्थ भक्तों के संकलित करके उनके उपदेशों को भी संकलित किया है कुछ उनके पत्रों को भी संकलित करके एक बहुत सुंदर पुस्तक प्रकाशित हुई है स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ अंग्रेजी में और उसका अन, उसका बंगला में भी अनुवाद हुआ है और हिंदी में भी अनुवाद हुआ है तो उसी में के कुछ अंशों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ सेलेक्टेड अत्यंत संक्षेप में कुछ थोड़े बहुत चुने हुए संस्मरणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले लेते हैं स्वामी गहनानंद जी महाराज जो कि बाद में चल करके रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के चौदहवें परमाध्यक्ष हुए थे वे जब अद्वित आश्रम कलकत्ता में कार्यरत थे उस समय की बात है उस समय पूज्य वीरेश्वर जी महाराज बेलूर मठ में समस्त रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे तो उसके पूर्व वे अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष रह चुके थे वहां से फिर बेलूमठ आए थे तो एक बार अद्वैत आश्रम के तत्कालीन अध्यक्ष महाराज ने गहनानंद जी महाराज को नरेश महाराज को कहा कि देखो प्रभु महाराज के पास अभी बरसात के दिन है प्रभु महाराज के पास छाता नहीं है तो मैं चाहता हूं उनको छाता एक उपहार स्वरूप देना तो ये छाता तुम ले जाओ और उनको दे करके आओ फिर फिर उन्होंने यह भी कहा कि पर महाराज जी का स्वभाव है वो कुछ भी आता है तो तुरंत दूसरों को दे देते हैं तो फिर यह योजना की गई कि उसमें उनका नाम लिख दिया जाए ये करके फिर गए महाराज वहां पर बेलू मठ में महाराज जी के ऑफिस में जाकर क्या महाराज आपके रूम की चाबी दीजिए क्यों कुछ रखना है क्या बोले हाँ <laughs> तो वहां छाता रख करके आ गए दूसरे दिन सुबह महाराज का फोन आया बोले हाँ उपहार मिला है अब उपहार का मालिक मैं हूं और मालिक चाहे जिसको दे सकता है महाराज आपने खोलकर देखा कि नहीं नहीं बोले देखिए उसमें आपका नाम लिखा हुआ है तब तो ये <laughs> सोच में पड़ गए तब तो उनका देखो मैं नया छात्र व्यवहार करूंगा मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूं और जनरल सेक्रेटरी माधवानंद जी पुराना छाता व्यवहार करेंगे ये तो नहीं होगा तो ठीक है महाराज हम जनरल सेक्रेटरी के लिए पहले ले आते हैं फिर आप व्यवहार कीजिए तो इस प्रकार से ये उनकी भावना देखिए एक तो एक भावना कि कुछ भी स्वीकार नहीं करना उपहास स्वीकार नहीं करना आता है तुरंत दे देना उपहार स्वरूप दे देना ये उनका स्वभाव पहले से ही था बहुत कम चीजें अपने पास रखते थे रखते भी थे तो किसी के लिए रखते थे रिज़र्व करके उनको मालूम था कब किसको क्या देना है अपने लिए कम से कम व्यवहार करते थे और दूसरी बात है कि उनका वरिष्ठ सन्यासी के प्रति क्या कैसी भावना थी सम्मान की भावना कि उनके ग्रहण के बिना वह कैसे ग्रहण कर सकते हैं ऐसी उदात तो उनकी भावना थी स्वामी आत्मस्थान जी महाराज की बात करते हैं वे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के पंद्रहवें परमाध्यक्ष बाद में बने थे। पर ये बात है उन्नीस की नाइनटीन उस समय ऐसा हुआ कि वे स्वामी विरजानंद जी महाराज के सेवक थे और स्वामी विरजानंद जी महाराज की जब महासमाधि हुई तो उनके देह को वहां पर अग्नि संस्कार के लिए ले जा रहा था उसके पहले माँ के मंदिर के सामने गंगा जो गंगा का तट है वहां पर उस देह को जैसा कि परंपरा है जैसी परंपरा है उनको नहलाया जा रहा था आरती की जा रही थी उसके बाद में स्वामी जी के मंदिर के सामने उसको दिखा करके फिर स्मशान वहां पर जो स्मशान घाट है वहां पर जाकर के फिर अग्नि दहा दिया जाता है कोई भी किसी का भी मृत्यु हो किसी की भी मृत्यु हो तो उसी प्रकार से वो चल रहा था इधर आत्मा महाराज का स्वाभाविक है उनकी उन्होंने व्यक्तिगत सेवा की थी दिन रात तो उनका मन बहुत खराब था तो माँ के मंदिर के जो बरामदा है उसमें बैठे थे विमर्श होकर के तो जी महाराज समझ गए उस समय वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे तो उनके पास आए उनके बाजू में बैठ गए सत्यकृष्ण महाराज के पास बोला मन, मन को बहलाने के लिए क्या किया अच्छा सत्य कृष्ण तुम बोलो तो अभी काली कृष्ण महाराज क्या कर रहे हैं उनके मन को घुमाने के लिए मेरे को कैसे पता कि काली कृष्ण महाराज क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं मैं बताऊं बोले हाँ बताइए देखो काली कृष्ण महाराज अभी रामकृष्ण लोक में गए हैं स्वामी विवेकान को बोल रहे हैं अरे काली कृष्ण तू इतना देर से आया रे अच्छा बहुत दिन से तेरे हाथ का खाना नहीं खाया जल्दी रसोई बना बड़िया बड़ा खिला तो <laughs> इस प्रकार से उनका मन बहला दिया ये कह करके तो ये हम लोग जानते हैं कि स्वामी विरजानंद जी महाराज स्वामी विवेकानंद को ले गए थे मायावती तो रास्ते में उनके लिए भोजन पका करके अच्छे अच्छे आइटम बना करके खिलाते थे स्वामी विवेकानंद को तो यही मानो उसको दिलाया याद दिलाया कि ऐसे स्वामी विवेकानंद के पास गए हैं वो तुम उसके लिए दुख मत करो कष्ट मत लो और अंतिम समय की बात है पूज वीरेश्वर उन्नीस सौ में 13 मार्च के तीन चार दिन पहले की बात है 13 मार्च को उन्होंने महासमाधि कुछ दिन पहले की बात है तो फिर उनके लिए एक विशेष प्रकार का बेड लाया गया फाउलर्स बेड जिसको बोलते हैं ताकि उसको ऊपर नीचे किया जा सके तो ये सब बेड वो पलंग लाया लाया जा रहा था विशेष प्रकार का कॉट और ये लाया जा रहा था सब तो कुछ थोड़ा थोड़ा ये हो रहा था तो महाराज को जब महाराज वीरेश्वर सब जानते थे प्रभु महाराज पर चुटकी लेते हुए कहा ये तो क्या तैयारी हो रही है स्मशानी यात्रा की तैयारी हो रही क्या अरे <laughs> तो ना महाराज अभी आपको बहुत रहना है इधर अभी से आप स्मशानी यात्रा की बात मत करें तो इस प्रकार से पूज्य वीरेश्वरण जी महाराज महासमाधि के समय भी आखिर तक उनका वो विनोदी स्वभाव रहा और अलिप्त खुद की स्मशान यात्री बोल रहे हैं। <laughs> स्वामी स्मरणानंद जी महाराज अभी वर्तमान के परमाध्यक्ष हैं। तो ये बहुत वर्षों पहले की बात है उस समय शायद वो बंबई में मिले थे सबसे पहले उनको जब बम्बई में उनका ज्वाइनिंग सेंटर तो वहां पर पूज्य महाराज जी से मिले थे और उसके बाद में एक बार बातचीत के प्रसंग में उसके बाद की की बहुत बात की बात है जो मैं बता रहा हूं उस समय शायद वो शारदा पीठ में आ गए होंगे तब तो एक बार की बात है कि महाराज से बात हो रही थी चाय के बारे में पहले चाय पियोगे क्या महाराज मैंने तो अभी थोड़ी वक्त पहले किया पहले पी है चाय तो आपके समान तो हर घंटा मैं नहीं पी सकता महाराज श्री प्रत्येक घंटा लगभग एक प्रत्येक एक घंटे दो घंटे में चाय पीते थे हो सकता है मायावती में बहुत ठंडी जगह है वहां तो और कुछ नहीं था न तो उनके पास उस समय उन लोगों के पास इतनी आर्थिक अवस्था भी खराब थी कि उन्हीं वस्त्र भी नहीं थे आजकल तो रूम टेम्परेचर ये हीटर वगैरह सब लग गए पर उस समय न इलेक्ट्रिसिटी थी, थी। ना कुछ गर्म करने को रखा गया था न उन्हीं वस्त्र थे तो गरम-गरम चाय पीकर ही ठंड भगाया करते थे तो वही आदत पड़ गई होगी हमको लगता है दस साल थे मायावती में तब तो जो भी हो तो उनको हम लोग जब चाय पिलाते थे तो एकदम गरम गरम चाय देने के बाद भी बोलते वापस ले जाओ उससे भी ज्यादा गरम चाहिए एकदम जिसमें हम हाँ हाथ नहीं लगा सकते ऐसी बर्निंग हॉट उपीते थे पर कितनी इतना छोटा उनका तो शरीर भी बहुत छोटा उनका कप भी बहुत छोटा चम्मच भी बहुत छोटी उस कप छोटे से कप में भी आधा कप उनको चाय देना पड़ता था उसमें से एक या दो घुट लिया बस बस यही पर वो एक दो घंटे के बाद तो फिर मजाक में ने कहा देखो अः खुद की आदत के बारे में खुद ही मजाक कर रहे हैं देखो जब मेरे अग्नि संस्कार हो जाए ना उसके बाद में शांति जल देना पड़ता है तो शांति जल मत देना चाय उड़ेल देना <laughs> खुद ही मजाक कर रहे हैं और एक बार की बात है स्वामी त्रिवानंद जी महाराज ने बताया महाराज को महाराज कुछ लोग हमारे संघ को संघ का विनाश करने के लिए योजना बना रहे हैं महाराज एकदम गंभीर हो गए यह ठाकुर का संघ है इसका कोई विनाश नहीं कर सकता जो इसका विनाश करना चाहेगा उसका संपूर्ण विनाश हो जाएगा महाराज तो जी एकदम से उनका ऐसा चेंज मूड परिवर्तन के मूड में देख करके हतप्रभ रह गए ये महाराज जी का इतनी इतना दृढ़ विश्वास था कि ये संघ रामकृष्ण देव स्वयं चला रहे हैं ये उनका संघ है और हम लोग केवल उसके प्रतिनिधि हैं और ये संघ जो रामकृष्ण देव का स्वयं का संघ है तो उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता ऐसा कन्विक्शन डीप कन्विक्शन ये उनमें था स्वामी गौतमान जी महाराज की बात है जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं तो 1973 में महाराज जी उस समय ईटानगर में सचिव थे ईटा नगर अलोंग में सचिव थे तो उनको ले गए थे महाराज को और वहां से ईटा नगर गए थे तो ईटा नगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनकी बात हुई हो रही थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूछा महाराज व्हाट माइट बी योर एज क्या आपकी उम्र कितनी है तो महाराज ने चुटकी लेते क्या आई एम एटी इयर्स यंग यानी कहा कि मैं 80 साल बूढ़ा हूं 80 साल ओल्ड हूं ये का 80 इयर्स यंग और सचमुच में इवन एट 93 इयर्स भी वो यंग ही थे 93 इयर्स अपने मां समय कुछ दिन पहले तक भी जो मंदिर में जाते थे एकदम मानो दौड़ के जा रहे हैं एक दो साल पहले की बात और 90 के पहले उनकी 90 साल की उम्र के पहले तो अकेले ही जाते थे बाद में फिर सेवक का सहारा लेना उनको लेना पड़ता था ये तो किसी का सहारा नहीं लेते थे और इतना जल्दी-जल्दी ये देते शक्ति से भरपूर थे वो ही वाज रियली 90 इयर्स यंग उस समय उन्होंने खुद ने कहा आई एम 80 इयर्स यंग 80 साल में यंग हूँ और आलोंग में जब वे गए सब पहाड़ी लोगों को इतना उन लोगों को उनका प्यार मिला कि वो लोग कहते हैं ये जो बड़े महाराज जन वो हमारे हैं वो मैदान के महाराज से भी मैदान के लोगों से भी हमारे पहाड़ी लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं उनको ऐसा लगता था ये हमारे महाराज है और बहुत बार गए नॉर्थ ईस्ट में कुछ तो महाराज जी आदिवासियों से विशेष प्यार करते थे वो उसकी वो समझ सकते थे कि महाराज उनके सुख दुख की बातें पूछते हैं ये पूछते हैं उनके साथ बैठते हैं बहुत समय व्यतीत करते थे उन्नीस की बात है स्वामी गौतमान जी महाराज बोलते मैं अगरतला गया था तो उस समय प्रणाम हो रहा था तो अभी ऐसा होता है कि जब प्रणाम होता है तो एक बार कतार में सब लोग खड़े रहते हैं और एक तरफ कुछ ट्रेज ऐसा रहता है जिसमें कि जिसको प्रणामी वगैरह देना उसमें डाल देते हैं और फिर बाद में महाराज को प्रणाम करते हैं अब एक महिला आई उसकी गोद में वो छोटा सा शिशु था छोटा सा बच्चा था तो अभी क्या करेगी कैसे प्रणाम करेगी तो उसने क्या किया महाराज के पास जो ट्रे थी प्रणामी की, उसके पास बच्चे को रख दिया और फिर प्रणाम करने लग गई ने उसे मजाक करते हुए विनोद करते हुए कहा अरे श्यामल यही बारे एक ता, एक ता छेले जो जमा पड़े छे <laughs> बोले अब इस बार प्रणामी में एक बच्चा मिला है ले लो <laughs> इस प्रकार से वे मजा करते थे स्वामी प्रभानंद अपना संस्मरण कहा है उसमें कि जब वे ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब नरेंद्रपुर में थे तो नरेंद्रपुर के उस समय के जो सचिव थे उन्होंने एक पत्र भेजा था महाराज के लिए गर्मी के दिन थे महाराज बहुत दूर से आए और पसीने से एकदम ये हो गए थे गए थे बहुत गर्मी थी उस समय उन्होंने प्रणाम किया महाराज को कि महाराज एक पत्र में लेकर के आया हूं उस समय ब्रह्मचारी अभी तो कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया है फिर भी महाराज के लिए सब कोई मानो उनके लिए सब कोई बराबर है सबको इतना सम्मान देते हैं तो उनको ब्रह्मचारी को बोला वरुण महाराज को उस तो समय ब्रह्मचारी वरुण अभी तो जी महाराज हो गए तो उनको बोला बैठने के लिए कुर्सी पर उनको बड़ा बड़ी लज्जा लग रही थी महाराज के सामने मैं कुर्सी में बैठूंगा तो नहीं बैठो 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 फिर पत्र जो दिया था तो वो रख दिया टेबल पर और चले गए पास में एक छोटी सी अलमारी थी उसमें से उन्होंने एक गिलास निकाला उसमें पानी डाला पास में एक सुराई थी उसमें से पानी डाला फिर शरबत डाला शरबत डाला उसमें थोड़ी चीनी डाली और नौकर को बुलाया नौकर को बोला तो बर्फ लेके आ और ग्लास को ऐसे रख दिया और फिर आ करके अपना काम करने लगे उसको बोला तो उसने बोला, जी महाराज महाराज ने मैं कर चुप बैठो तुम तो अब बिचारे क्या करते चुप बैठ गए उनको लगा कि महाराज को गर्मी लगी होगी तो पहले शरबत पियेंगे उसके बाद बात करेगा अभी थोड़ी देर बाद ये नौकर आया तो महाराज ने उसको बोला कि धो करके आओ बर्फ को धो करके आओ बर्फ को धो करके फिर आया तो वो ग्लास में बर्फ डाला बर्फ डाल करके जब ठंडा हुआ तो महाराज को लगा कि अभी वो शरबत पियेंगे शरबत में हाथ में थमा करके कहा ये लो शरबत पियो इतना दूर से तुम आए हो इतनी गर्मी में शरबत पियो महाराज तो इतने लज्जित हो गए जनरल सेक्रेटरी महाराज ये मुझे अपने हाथ से शरबत बना के मुझे दे रहे हैं। मैं कैसे पू पर कोई उपाय नहीं था मैं बोल रहा हूं पियो में से जा रहे हैं क्या कैसी करुणा कैसी दया और कैसा मातृ स्नेह माँ के पास दीक्षा ली थी तो मातृ हृदय का उनको परिचय हुआ फिर मुश्किल से उन्होंने पिया फिर उन्होंने बाकी का शरबत भी उडल दिया दो ग्लास उनको शरबत दिया उसके बाद में लेटर खोला और जो कुछ उत्तर देना था देख करके रवाना किया अभी तक भी महाराज उसको याद करते हैं पूज्य महाराष्ट्र के मातृ स्नेह को कि एक नया ज्वाइन किया हुआ ब्रह्मचारी हुँ। उनके प्रति भी उनका कैसा स्नेह और कितना सम्मान देते हैं वे बहुत ही उसे प्रभावित हुए और बाद में बताया उन्होंने 1980 में जब कन्वेंशन हुआ तो महाराज की इच्छा थी कि गृहस्थ भक्तों को भी सेवा कार्य में निमग्न किया जाए तो उन्होंने महाराज को कार्य सौंपा कि जितने स्वामी विवेकानंद के सम देश को देश में जो देश के लिए सेवा कार्य जो करना है उसके बारे में जितने भी कोटेशंस हैं उसको करके एक कलेक्शन के रूप में निकाली जाए किताब उसका नाम दिया रिबिल्ड इंडिया उसकी भूमिका भी उन्होंने लिखी और हजारों गई पर महाराज के कहने से उसको अत्यंत सब्सिडाइज करके हजारों प्रतियां उसको सारे देश में दे जिसमें कि नया भारत गढ़ो नया भारत का निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा ये उन्होंने उसमें लिखवाया था उसका कोटेशंस उन्होंने किया था ये रिबिल्ड इंडिया किताब में भी ये परवानी जी महाराज का उसमें काफी, काफी कंट्रीब्यूशन था पर उन्होंने कहा उस समय मैंने देखा महाराज का गरीबों के प्रति और यह देश को आगे बढ़ाने के लिए कितना उनके मन में कितनी उनमें उत्सुकता थी कितना दर्द था गरीब लोगों के लिए ये सब बोले मैंने उस समय महाराज में देखा स्वामी रामानंद जी महाराज उनके संस्मरण में बोलते हैं कि 1966 में 1966 में वो पूर्लिया में थे तब की बात है तो उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज उस समय तो वे प्रेसिडेंट हो गए थे कि महाराज आप जनरल सेक्रेटरी से लगता है कि प्रेसिडेंट होने वाले बहुत ही विरल हैं डायरेक्टली फ्रॉम जनरल सेक्रेटरी आप प्रेसिडेंट हो गए तो महाराज ये हस्यविकार नहीं इस मामले में तुम मुझे निर्मल महाराज का उत्तराधिकारी समझ सकते हो निर्मल महाराज माने स्वामी माधवनंद जी फिर उन्होंने कहा जब स्वामी माधवनंद जी अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष थे तब मैं अद्वैत आश्रम का मैनेजर था फिर माधवानंद जी महाराज बेलू मठ में जाकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी हुए तब मैं अद्वैत आश्रम का अध्यक्ष बना फिर जब माधवानंद जी रामकृष्ण मठ में जनरल सेक्रेटरी हुए तब मैं उनकी जगह असिस्टेंट सेक्रेटरी बना और जब माधवानंद जी प्रेसिडेंट हुए तब मैं जनरल सेक्रेटरी बना और फिर बाद में माधवानंद जी की महासभा होने के बाद मैं प्रेसिडेंट बना सिक्सटी में तो मानो बोले मैं पीछे पीछे जा रहा हूं माधवानंद जी महाराज के 1960 की बात है उस समय वो सारगाची में थे रमानंद जी तो उस समय प्रेमेश महाराज वहां रहा करते थे स्वामी प्रेमेशानंद जी बहुत उच्च कोटि के सन्यासी मां देव के वो भी शिष्य थे तो वो जब बेलूमठ गए तो उन्होंने वीरेश्वर महाराज को कहा कि महाराज प्रेमेशानंद जी महाराज ने आपको साष्टांग प्रणाम कहा है तो महाराज ने कहा ठीक है ऐसा है अब मैं जैसा करता हूं ऐसा करो फिर उन्होंने कहा तुम जाना उधर वापस जब जाओगे महाराज को साष्टांग प्रणाम करना बोलना कि ये प्रणाम महाराज ने भिजवाया है <laughs> दोनों एक दूसरे को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं इतना एक दूसरे के प्रति प्रेम इतनी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और दोनों ही माँ शारदा देवी के शिष्य तो ये पूज्य श्री की यह जो निरभिमा सचमुच में व अतुलनीय स्वामी बागेशानंद जी महाराज जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष थे ब्रह्मलीन हुए अभी कुछ महीने पूर्व उन्होंने अपना संस्मरण दिया है उन्नीस की बात है 1954 में तब वो शारदा पीठ में ब्रह्मचारी थे तो उस समय पूज्य वीरेश्वर जी महाराज असिस्टेंट सेक्रेटरी थे उस समय ताजे, ताजे 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 में ही शारदा मठ का प्रारंभ हुआ था तो शारदा मठ का जो प्रारंभ हुआ उस समय रामकृष्ण के कुछ वरिष्ठ सन्यासी उसमें गए थे उस फंक्शन में। जी महाराज नहीं चाहते थे कि वो पब्लिक के भीतर में पब्लिसिटी उनको मिले पब्लिसिटी से दूर रहते थे तो उन्होंने बागीशान जी को कहा मैंने सुना है कि तुम फिल्म दिखाते हो प्रोजेक्टर में उस समय तो फिल्म हुआ करती थी ये सब वीडियो वगैरह कुछ नहीं थे 1954 की बात बोल रहा हूं। तो बोले हाँ मैं फिल्म दिखाता हूँ वहां पर एक शारदा पीठ के अंतर्गत बहुत सारी बहुत सारे सेवा कार्य चल रहे हैं उसमें गरीब बच्चों के लिए भी जो सेवा कार्य होता है उसमें फिल्म दिखाया करते थे तो बोले कि अच्छा तुम फिल्म को काट करके जोड़ना जानते है? बोले हाँ मैं जानता हूँ ठीक तो है फिर गए वहां पर बोले अच्छा फिल्म चालू करो चालू किया फिर उन्होंने बता दिया कहां, कहां कर, काटना होगा जहां उनका फोटो है उनको कटवा दिया इतनी उनकी निर्भाता निर्भिमान्यता और इतना वे लोक दृष्टि से ओझल रहने की उनकी जो आ, बात सचमुच में सराहनीय है स्वामी अनन्यानंद जी महाराज अभी नहीं रहे ब्रह्मलीन हुए कुछ वर्षो पूर्व अद्वित आश्रम के अध्यक्ष थे फिर बाद में रिटायर होकर के कई वर्ष हैदराबाद में रहते थे तो 1942 की बात है उस समय वे मद्रास मठ में पुजारी थे अभी जिसको हम चेन्नई कहते हैं उस समय मद्रास 1942 सेकंड वर्ल्ड वॉर था सेकेंड तो वर्ल्ड वॉर के समय बड़े बड़े शहरों पर बॉम्बिंग हुआ करता था जापान के प्लेन्स के द्वारा तो बहुत आशंका थी कि अब नेक्स्ट आएगी मद्रास की तो इसलिए मद्रास से काफी लोग दूर दूर चले जाते थे अब ये सोचा गया कि हम भी मद्रास मठ छोड़ करके दूर चले जाएं परंतु समस्या आके खड़ी हुई कि जो श्री रामकृष्ण देव की पवित्र भस्मावेश थे जो श्री रामकृष्ण देव के रैलिक्स जिनको बोलते हैं हम लोग होली रैलिक्स उसका क्या किया जाए उसको तो छोड़ के जा नहीं सकते उनकी तो रोज पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि होली रैलिक्स है पूजा करना पड़ेगा तो क्या किया जाए उसी समय जी महाराज दक्षिण भारत के दौरे पर थे तो उनको पूछा गया तो उन्होंने रास्ता निकाला कि ठीक है फिर खुद वे कुछ महीने वहां पर रहे दक्षिण दक्षिण भारत में खुद ने वहीं से पूरा अरेंजमेंट किया और चिंगलपट्टू के पास उत्तर मेरु नाम की जगह है कुल वहां से लगभग 30 मील दूर मद्रास से वैसी एक जगह पर टेम्परे शेड बनाया गया एक छोटा सा हॉल बनाया गया वहां पर सब लोग एक साथ रहते थे वहां पर छोटा सा एक मंदिर जैसा छोटा सा बनाया और वहां पर टेम्परे बनाया और वहां पर इनकी पूजा होती थी रैलिस की पूज्य तो महाराज जी वहाँ पर रहे कुछ महीनों और फिर जब पोजीशन जब कंडीशन नॉर्मल हो गई ये डर समाप्त हो गया उसका बॉम्बिंग का फिर वे वापस ले आए उसको उस समय की बात है तो उस समय तो काफ़ी समय रहता था एक दिन शाम को निकले आजू बाजू में तो के बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने जी अनन्याज को कहा तुम क्रिकेट खेलना जानते हो बोले हाँ मैं टेनिस के अलावा सब कुछ खेलता था क्रिकेट फुटबॉल वगैरह और पूज्य महाराष्ट्र तो कितना खेल खेलते थे एक्चुअली तो टेनिस टेनिस के कारण ही तो वो उनका जीवन का परिवर्तन हुआ वो टेनिस के खिलाड़ी थे और जब वे त्रिवेंद्र में लॉ पढ़कर के वापस आए थे वहां पर मैंगलोर में थे तो मैंगलोर में जिस स्कूल में पढ़े थे हाई स्कूल उस कैनरा स्कूल में रोज जाते थे वहां के मैदान में वो टेनिस खेलने के साथ लौट रहे तब मित्र ने, मित्र ने के पास उन्होंने किताब मंगी तो वो एक जगह ले गए फिर वो किताब जो मंगी थी वो किताब के बदले उन्होंने कंप्लीट वर्ष ऑफ स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वॉल्यूम दिया उन्होंने कहा मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है तो उन्होंने रख दिया पर पढ़ा नहीं पर वो मित्र ने कहा ना आप एक बार तो पढ़ो एक बार तो पढ़ो फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया उनको बहुत इतना अच्छा लग गया कि फिर और भी किताबें मंगाई और फिर तो अद्वैत आश्रम में से और भी किताब मंगा फिर तो वो सन्यासी बन गए तो अभी तक वो उस मित्र को याद करते हैं पूज्य महाराष्ट्र की उसने यदि मुझे वो किताब जबरदस्ती नहीं पढ़ाई होती तो मैं सन्यासी नहीं बनता कहाँ से कहाँ चले गए टेनिस के नाम से टेनिस खेलने के बहाने गए और वहां से ये किताब मिली और यहाँ से ऐसा हो गया तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे सभी प्रकार का खेल जानते थे सभी प्रकार का खेल खेलते थे और सबने कुशल थे स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया था उन्होंने क्रिकेट में और टेनिस में कई हॉकी में बहुत खेल जानते थे तो जो भी हो उन्होंने कहा अच्छा तुम जानते हो तो चलो क्रिकेट खेलते हैं तो तुम बैटिंग करोगे बॉलिंग बोले आप जैसा बोलेंगे अच्छा ठीक है बोले मैं बॉलिंग करता हूं और तुम बैटिंग करो तो अन्याण जी महाराज ने बैटिंग शुरू किया और ऐसे मारा था कि उनको बॉल ना लगे इधर उधर मारा और फील्ड में और बाकी वो लड़के लोग जो पहले देख रहे थे वो सब फील्डिंग करते थे फिर दस बारह बॉल पर स्ट्रेट बॉल मारते थे मैंने पता लग गया कि अच्छे बॉलर थे फिर जब इन्होंने बॉलिंग किया तो ये जानबूझ करके बॉलिंग आउट ऑफ द वे जाते थे कि ताकि अच्छी तरह उनको मार सके शॉट मार सके ऐसे महाराज ने कई शॉट मारे और कुछ देर ऐसा खेल करके मजा करके वापस लौटे तो महाराज का इतना वह विनोदी स्वभाव और इस प्रकार से घुल मिलने, मिलने का स्वभाव कहा तो के स्वामी जी आए थे और इस प्रकार के ब्रह्मचारी के साथ पुजारी ब्रह्मचारी के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए ये उनकी महानता है अपनी महानता को छुपा करके कर रखा है इसलिए ये उनकी महानता ज्यादा है तो पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं विरीश्वर माँ के चरण में प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम कृष्णदेव महाशारदावी स्वामी विवेकान के चरणों में प्रणाम करते हैं ओम शांति 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 हरि ओम तस्व श्री राम कृष्णार्पण